नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा आप जानते हैं, अब जाड़ा धीरे धीरे जा रहा है और फिर से एक बार गर्मी का सीज़न आने वाला है। तो इस सीज़न में कई सारी चीज़ों की तैयारी की जाती है। हमारे जो किसान पशुपालक भाई हैं उनके लिए वो लोग कई तरह के यहाँ पर जो बरसीम चारा, इस तरह के जो हरा चारा है उसको बोते हैं। तो इसी क्रम में जैसा पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो दिखाया हुआ था, इसका ये जो अपना नेपियर है, इस नेपियर का वीडियो आपने देखा था, तो उसमें कई सारे किसान दोस्तों ने मुझसे प्रश्न पूछे थे कि सर ये नेपियर का चारे की हाइट क्या रहती है, कितना होता है, क्या होता है। एक्चुअल में ये C4 नेपियर है जिसमें 18% तक प्रोटीन पाया जाता है, 18% तक प्रोटीन इसमें होता है। अब ये डिपेंड करता है आपने किस तरह की गोबर खाद डाली है, किस तरह की उसमें केयर करी है। आप मेरे पीछे जो गन्ना जैसा आपको दिख रहा होगा ये भी नेपियर ही है। मैं अभी आपको सीधे इसके पास में ले जाऊँगा और पास से आपको दिखाऊँगा। मैं अभी यहाँ पर जो सिंगल डेयरी फार्म पर आया हुआ था तो वहीं से मैंने आपको वीडियो भी बताया था और कई किसान मित्रों ने वहाँ से नेपियर को ख़रीदा भी था। अगर आप नेपियर को लगाते हैं तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि नेपियर को लगाने के बाद जो चारा पर केजी हमें लगभग 80 पैसा पर किलो से 70 पैसा पर किलो तक बैठता है नेपियर को लगाने के बाद। क्योंकि अगर आप इस नेपियर घास को लगा लेते हैं एक बार अपने जो हाईब्रिड जो हाई ग्रेड जो ब्रिड या नेपियर है जो अच्छी अच्छी ग्रेड वाली है, एक सामान्य होती है वो नहीं, दूसरी वाली अगर आप लगाते हैं तो चारा आपको 80 पैसे से 80 पैसा पर केजी तक यह पड़ जाता है अगर आप अपने खेत पर लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह पड़ता क्यों है, क्योंकि इसमें आपको केवल इसको एक बार लगानी है। इसकी जो कटिंग जो बिट्स मिलती है वो लगभग 1 रुपये की बैठती है। यहाँ से आप अगर चाहें तो उसे परचेज भी कर सकते हैं सिंगल डेयरी फार्म से, नंबर आपको डिस्प्ले में शो हो रहे होंगे। तो मैं आपको अभी आज दिखाऊंगा इसकी ग्रोथ, यह कितनी मतलब कितनी ग्रोथ करती है। जो यह वाला जो प्लांट रखे हुए हैं, यह सब जो रखे हुए हैं ये हमें जो इसकी बिट्स बन के जो सप्लाई होनी होती हैं वह इसी की होती हैं। तो आजकल सबसे बेस्ट सीज़न है तो मैं इसकी बिट्स को आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी किसान मित्रों ने भी इस मेरे से इस बारे में पूछा था इसलिए, और यह इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसको एक बार लगा देते हैं खेत पर तो 8 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है चारे की। 8 साल तक यह लगातार होता है, आपको एक कटिंग करनी है और यह साल भर आपको चारा देता है। थोड़ा सा जाड़ों के दिनों में 1 महीने की इसमें दिक्कत आती है, बाकी यह आपको 11 महीने चारा उपलब्ध कराता है। केवल जनवरी के महीने में थोड़ा सा ग्रोथ रुकती है, बाकी सारे मंथ में यह चारा आपको उपलब्ध होता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया इसकी हाइट हुई है, और यह चारा हाई प्रोटीन वाला है क्योंकि यह हाइब्रिड नेपियर है C4। और इसका अगर आप लेते हैं तो हमारे पास IVRI जो बरेली इज्जत नगर में है वहाँ पर से इसकी रिपोर्ट भी है, आप उस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधे जहाँ पर यह फार्म है, इसके बाद आपको इसको पास से दिखाता हूँ। और आप अगर चाहते हैं ऑर्डर करना तो इसको आप ज़रूर करिए, क्योंकि मैं भी यहीं से ले गया हूँ, मैंने भी यहीं से इस चारे को लगाया हुआ है और मैं खुद एक पशुपालक हूँ तो मैंने अनुभव किया है कि हरे चारे की समस्या कितनी ज़्यादा है इस समय पर। भूसा आप जानते हैं हमारा जो क्षेत्र है उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर भूसे की कीमत अभी 16 से 17 रुपये की पर केजी बैठ रही है। अगर इस कंडीशन में अगर हरा चारा हमारे पास अच्छा साधन है, तो अगर यह नेपियर अगर यह उपलब्ध होता है तो काफ़ी हमें अच्छे प्राइस पर यह मतलब काफ़ी हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव यह चारा होता है क्योंकि लगाना नहीं पड़ता बार बार। तो चलिए आप लोग भी काफ़ी कुछ जानते ही होंगे इसके बारे में, मैं आप डायरेक्ट आपको इसको वहाँ पर ले चलता हूँ फार्म पर।